हमने जितने भी वीडियोस बनाए हैं और उनमें से जिन वीडियोस में हमने भगवत प्राप्ति पर चर्चा की है, उन सब में सबसे ज्यादा महत्व सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को दिया गया है और वो है नाम जप। हम कई बार ये बता चुके हैं कि कलयुग में भगवत प्राप्ति का सबसे सुलभ साधन नाम जप है। दोस्तों, जो भी व्यक्ति नाम जप की महिमा जानता है वह इसका प्रचार जरूर करता है, और इसीलिए सुनने वाले के मन में ये प्रश्न होता है कि क्या सच में नाम जप करने से भगवत प्राप्ति होती है, क्या सच में हरि नाम जप से हमें भगवान का संरक्षण और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हमें पद्म पुराण से प्राप्त होता है। पद्म पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि अगर कोई व्यक्ति नाम जप का आश्रय लेता है तो उसके साथ क्या होता है। तस्मादरो भक्तिमान स्याद्वरि नाम परायण पूजकम पृष्ठतो रक्षेन्नामिनम वक्षसि प्रभु। जिसका अर्थ ये होता है कि जो भी भक्त हरिनाम की शरण लेता है और नाम जप करता है, उसे भगवान अपने हृदय से लगा कर रखते हैं। और इस बात में कोई संदेह नहीं कि जिस प्रकार से एक भक्त के हृदय में भगवान बसते हैं, उसी प्रकार से वह भक्त भी भगवान के हृदय में सदा के लिए स्थान प्राप्त करता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से पद्म पुराण में इस बात की पुष्टि की गई है कि अगर कोई नाम जप का आश्रय लेता है तो इसके द्वारा उसे सीधा ही भगवान के हृदय में संरक्षण और निवास दोनों ही प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी नाम जप नहीं करते तो जल्द से जल्द इसकी शुरुआत करें पद्म पुराण के माध्यम से। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल दी इन्फो ओशियन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।